नमस्कार, मैं परवीन अलावत। देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी सबकी खबर टीवी। धरना चला हुआ है और किसी की मतलब सरकार है ना, जो उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक है वो मांग रहे हैं। इसी बीच आप सभी देख ही चुके थे कि भाजपा सरकार की नीतियां धरना स्थल पर कैसी थी, बर्बरतापूर्वक थी। और कुछ बच्चे जो हालत ख़राब होने के कारण हॉस्पिटल में चले गए थे, और उनके हौसले को मैं सलाम करना चाहूँगा कि फिर से वो यहाँ पर शामिल हो गए हैं अपने साथियों को समर्थन देने के लिए। ये इनका हौसला मतलब बिल्कुल काबिले तारीफ़ है, उनसे मैं जानना चाहूँगा। हॉस्पिटल में थे आप, दोबारा से यहाँ पर आ गए हैं, इस एनर्जी का आप मतलब राज क्या मानते हैं? राज जी, जो हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको हम इस चीज़ का राज मानते हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी भाई हमारा अगर हमसे जुदा हो। हम चाहते हैं कि सभी भाई मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, ठीक है, और कल को जो हमारा हक है वो हम सरकार से लें। मेरे साथ एक मेरी बहन है, वो भी हॉस्पिटल से ही आई हैं। आप हॉस्पिटल से दोबारा धरने पर आ गए हो, मजबूती से डटे हुए हो, क्या लग रहा है इसके बावजूद कुछ सुनी जा रही है आपकी आवाज़? सर, मुझे नहीं लगता कि हमारी शायद कहीं सुनवाई हो रही है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि अगर लास्ट में हमें ये ना लगे कि काश एक वो कोशिश भी कर ली होती। तो अपने सभी साथियों का साथ देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए आज हम फिर से वापस आ गए। शुक्रिया, हम कद्र करते हैं आप सभी के हौसले की। और आपको बता दूं कि लाडपुर से पंचायत है यहाँ पर आई हुई है, और पंचायत है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तब आज लाडपुर से आप लोग यहाँ पर आए हो इन बच्चों को समर्थन देने के लिए, क्या कहना चाहते हो? हम इनके बारे में कहना चाहते हैं कि जब इनके सरकार इनकी बात नहीं सुन रही, इनका टाइम खराब कर रही है, तो सरकार ने जल्दी से इनकी बात सुननी चाहिए। ये 8 दिन हो गए इनके कोई सुनने वाला नहीं है। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि हॉस्टल में भी गए हैं बच्चे, फिर दोबारा आए हैं, तो सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये अपनी ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने अकेले इनको गुमराह किया गया, तो इनको सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी इनके बारे में इनको सरकार ने इनको समर्थन देना चाहिए। तब आपका पंचायत क्षेत्र बादली विधानसभा में आता है, कृषि मंत्री भी यहाँ पर आए थे, क्या आप लोगों ने उन पर भरोसा है? वो यहाँ पर आए थे, क्या वो कोई कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? जी, वो सारी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोली है उन्होंने। वो किसी बारे में कहते कुछ हैं वो, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, वे अपनी बात को कहते हैं उसको करते नहीं। वो कोई खरा उन्होंने कोई खरा काम किया है नहीं 5 साल के अंदर। कृषि मंत्री ने कोई काम नहीं किया है। तो फिर आपका क्या फैसला रहेगा अब उनको लेकर, क्योंकि चुनाव भी हैं, वो भी आने वाले हैं, तो आपकी पंचायत का क्या फैसला रहेगा? पंचायत का ये फैसला है जी, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा कोई। हम कांग्रेस सरकार के साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, शुक्रिया। ताऊ जी, आप भी आ जाइए, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं जी, बुज़ुर्गों का व्यू है काफ़ी मायने रखता है। तब आप बताओ कि मतलब बच्चों की हालत देखिए, मतलब आपको कैसा लग रहा है? हकत ही बिल्कुल बेहाल हो रहे बच्चे, और ये अपना हक मांग रहे, कोई उसी लड़ाई नहीं लड़ रहे, इनका हक मिलना चाहिए। और आम ही सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। थारा तो मंत्री है, तब थारे विधानसभा का बिल्कुल खिलाफ है, हम बढ़न नहीं देंगे हम काम। लाडपुर का फैसला क्या रहेगा ये इलेक्शन? फैसला रहेगा, कोई रह नहीं देगा उसको, ये हम संगठन करेंगे अपना। अपने गांव में पंचायत हो चुकी है आप? हाँ, ठीक है। आप लाडपुर से ही हैं जी, आप भी आ जाइए, क्योंकि पूरे गांव है आपका यहाँ पर आया हुआ है। आप क्या कहेंगे इस घटना पर, और आपके मतलब मंत्री भी यहाँ पर आए थे, सोल है, फिर भी नहीं हो रहा, क्या कहोगे? हम इस बच्चों के समर्थन में बैठे हैं। हाँ। और जो ओम प्रकाश धनखड़ ने 3-4 दिन पहले जो घटना करी थी, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये तो बच्चों ने कल थोड़ा सा संयम रख लिया, अगर हम होते तो घटना कुछ और हो जाती। दुख है आपको इस चीज से? गहरा धक्का लगा है आपको? धक्का, बिल्कुल गहरा धक्का लगा। हाँ, बिल्कुल पूरा पूरा। ये मेरे साथ परिजन भी हैं, और इनके दिल पर क्या बीत रही है वो कोई मतलब माँ बाप हैं वही समझ सकते हैं, कि मतलब बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए इन्होंने सपने देखे थे, सपने मतलब इनकी आंखों के सामने चकनाचूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन हौसला है, फिर भी कोई एक उम्मीद है जो इनको यहाँ पर रोके हुए, संघर्ष लगातार जारी है। अंकल जी, आज पंचायत भी बच्चों को समर्थन देने के लिए आई है, तो मतलब क्या लग रहा है आपको?
हमारे गांव की पंचायत हमारे साथ है, लाडपुर की, लाडपुर, लाडपुर से ही हो आप? हाँ जी, लाडपुर से हैं। और पूरा गांव हम इस चीज का वर्णिंदा करते हैं कि जो धनखड़ ने परसों बच्चों के साथ किया वो बहुत गलत वो करा। और ये कोई इस कॉलेज के चेयरमैन से मिला हुआ है, मैं इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ। अब जो मिला हुआ है जो हर जगह ये इस बच्चों के धरने को खराब करने के लिए आया था, इनको कोई वो नहीं देने आया था, बच्चों को उठाने लड़कियों के साथ पुलिस से उठाने की कोशिश करी है। पंचायत तो बच्चों के साथ है और ये भी कह रहे हैं कि मंत्री को घुसने भी नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे काम में, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। कैसी नीति अलग रही है आपके मंत्री की? कुछ हमने मुख्यमंत्री के वो मदद कर मारे गोपन लाग रहे, हम किस लिए बनाओगे इसको? खराब करने लग रहे हैं बच्चों की जिंदगी, खराब कर रहे हैं, धोखा देते हैं गलत के लिए। इस कॉलेज के अंदर धनखड़ का पूरा पूरा हाथ है और इस बच्चों के बर्बाद करने में इसका पूरा हाथ है। रोजगार देंगे, ये करेंगे, ये रोजगार देने की बात है, रोजगार को छीन लग रहे हैं। हाँ, बच्चा भविष्य खराब करने लग रहे हैं, बच्चे का भविष्य खराब करने लग रहे हैं। जिस माँ बाप ने 20-30 लाख रुपए लगाए और उनको आज दुखी हो रहे हैं, आज परेशान हो रहे हैं और बच्चे यहाँ भूखे तिसाए बैठे हैं, उनकी कोई सुध नहीं रहे और फिर यहाँ आता है तो उनके साथ भी ज्यादती करवाता है। प्रदर्शन यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने आते हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, ये किसी को रोक नहीं रहे, ये किसी के सामने नहीं अड़ रहे, ये किसी से लड़ नहीं रहे, ये शांतिपूर्वक बैठे हैं, फिर भी ने यहाँ से टेंट को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं धनखड़ साहब अपने प्रशासन। तो कृषि मंत्री को आप क्या कहना चाहते हो अंकल हमारे माध्यम से? मतलब हम ये कहना चाहते हैं अगर हमारे बच्चों के साथ आपने जो बर्ताव करा है इसका हम रिजल्ट देंगे, जो चुनाव आएंगे, चुनाव आएगा उस दिन हम बताएंगे इसका रिजल्ट। जो यहाँ 50-60 गुंडे जाकर बच्चों को पिटवाने और उठवाने का काम किया है, ये हम इस चीज़ का जवाब देंगे। आज तो हम गांव की पंचायत आई है, आज शाम को हम गुड़िया खाप को इकट्ठी करेंगे, आज शाम को हम गुड़िया खाप को इकट्ठी करके 24 को और इसका पूरा पूरा बहिष्कार करेंगे धनखड़ का। तब गुड़िया खाप है आज इकट्ठी होगी आपकी, वहाँ भी ये बात रखोगे आप? हाँ रखेंगे जी, अपना सुनील प्रधान जो है ना उसके सामने बात रखेंगे। और वैसे वो आया नहीं आज, उसका तब गुजर जाता ना, वो हाजिर भी मिलता है यहाँ। अच्छा, हाँ उसके सामने सारी बात करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हमने किस बात के लिए इसको बना था, सरकार हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ ऐसे कर रही है। फिर परसों शाम को 7 गुड़िया खाप का प्रधान सुनील गुड़िया आया है यहाँ बच्चों के पास और पूरी हाँ बात करके पूरा आश्वासन दे के गया है। उसका ताऊ एक्सपायर हुआ है इसलिए वो आज नहीं आ पाया, शाम को करेगा इकट्ठे लोगों को। शुक्रिया, शुक्रिया जी आप सभी का। तो आप लोगों ने देखा उन बच्चों से भी बात की और उनका हौसला मतलब ऐसा था कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, जैसे ही थोड़ा सा आराम हुआ फिर से यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे जो लाडपुर की पंचायत आई हुई है इनसे भी मैंने बात की, ताऊ का बुजुर्गों का साफ तौर पर कहना था कि जिस मंत्री को हमने चुनकर यहाँ से भेजा है अगर वो हमारे बच्चों की आवाज़ ही नहीं सही तरीके से उठाने दे रहे, उनके साथ ऐसी बर्बरता चल रही है तो ऐसे मंत्री का फिर फ़ायदा ही क्या। साथ ही साथ पंचायत का ये भी कहना है कि जो गुलिया का सोंदी में इनका ऐतिहासिक चबूतरा है, जल्दी ही इस चीज़ को लेकर ये मांग है अपनी वहाँ भी उठाएंगे और जो गुलिया खाप है वो वहाँ पर अपना प्रस्ताव रखेगी। अगर वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो पंचायत का साफ तौर पर कहना है कि कृषि मंत्री का ना हम गाँव में घुसने देंगे और पूर्णतः उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्योंकि अब बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, मासूम बच्चे जो कि डॉक्टर्स हैं और हमारे देश को डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा वैसे भी ज़रूरत है। सरकार के दो दावे होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार ये अपील करते हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर की हमें आवश्यकता है, लेकिन जब उनकी अपील पर बच्चे मेहनत करते हैं, माता पिता है भरोसा करते हैं, अपने बच्चों को आगे लाते हैं, बच्चे दिन रात पढ़ाई कर उस फील्ड में आना चाहते हैं और बिल्कुल लास्ट में आकर जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए चिंताजनक बात है। हम भी अपील करना चाहेंगे सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों की तरफ ध्यान दें और ये मुद्दा है उसको पूरी तरह से सुलझाया जाए। शुक्रिया।